नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नाटका टी20 मैच का, जो कि है दोस्तों फर्स्ट सेमीफाइनल खेले जाने वाला है वी मैसूर वारियर और बेंगलुरु ब्लास्टर के बीच। दोस्तों हम इन दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन जानेंगे और जानेंगे कि दोनों का टीम किस तरह होगा, कुछ की प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और लास्ट में हम ड्रीम इलेवन टीम जानेंगे जो कि आपके लिए दोस्तों बेहद जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं या फिर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी दोस्तों क्लिक कर दे, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ जाए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन का। दोस्तों मैसूरू वारियर की तरफ से आपको ओपनिंग कर देंगे अर्जुन होयसला, उनके साथ राजू भटकल, फर्स्ट राउंड आपको देखेंगे अमित वर्मा, सेकंड राउंड देखेंगे आपको सोई मैनेजर, उनके बाद एमपी भारत, केवी सिद्धार्थ, जगदीश सुचित, शरद श्रीनिवास, के वाधवानी, व्यास, विजय कुमार, प्रतीक जैन। दोस्तों ये रहने वाला है मैसूरू वारियर का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन। इसमें कुछ आपको सेफ प्लेयर बता दूँ तो अर्जुन होयसला, राजू भटकल, अमित वर्मा, सोई मैनेजर, एमपी भारत, जे सुचित, दोस्तों यहाँ से के वाधवानी, प्रतीक जैन, विजय कुमार, ये दोस्तों कुछ इनके बेस्ट प्लेयर की प्लेयर जो कि कंफर्म आज का मैच खेलने वाले हैं, तो आप इनमें से किन्हीं को भी पिक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आप बेंगलुरु ब्लास्टर का प्रबल प्लेइंग इलेवन का। दोस्तों बेंगलुरु ब्लास्टर का दोस्तों आप ओपनिंग कर देखेंगे एम विश्वनाथन, उनके साथ के बी पवन, फर्स्ट रन आपको देखेंगे रॉबिन उत्तप्पा जो पिछले दो मैचों से काफी अच्छे फॉर्म में, उनके बाद पवन देश पांडे, सुरेश गोपाल, असरदीप सिंह बरार, मनोज भांडे, अभिषेक भट्ट, मीरा कांत यादव, एडवर्ड मानी, वी कौशिक। दोस्तों ये रहने वाला है बेंगलुरु ब्लास्टर का प्रबल प्लेइंग इलेवन। आप इन की प्लेयर बता दूँ तो यहाँ से एम विश्वनाथन, के बी पवन, रॉबिन उत्तप्पा, पवन देश पांडे, सुरेश गोपाल, असरदीप सिंह बरार, मनोज भांडे, अभिषेक भट्ट, और यहाँ से दोस्तों आपके लिए वी कौशिक रहने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा बॉलर है दोस्तों वी कौशिक इन्होंने, और ये आपको दोस्तों की प्लेयर है, आप इनमें से किन्हीं को दोस्तों पिक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम। दोस्तों विकेट कीपिंग सेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ से शरद श्रीनिवास और एम विश्वनाथन, हम दोनों ही दोस्तों खेलने वाले हैं, बट शरद श्रीनिवास कन्फर्म नहीं रहता कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है और ये कभी नीचे बहुत लेट डाउन बैटिंग करने आते हैं, और एम विश्वनाथन आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा बैट्समैन दोस्तों और काफ़ी अच्छा कीपर भी करते हैं, इसलिए आप एम विश्वनाथन के साथ ही जाना आपको चाहिए दोस्तों, और आप चाहे तो यहाँ से शरद श्रीनिवास पर आप जाकर रिस्क ले सकते हैं, बट आप 100% श्योर आपके लिए एम विश्वनाथन रहने वाला है। दोस्तों वहाँ से लिए बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग सेक्शन में आपके लिए रॉबिन उथप्पा, पवन देश पांडे, सोई मैनेजर और अर्जुन होयसला, दोस्तों मैं चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। आपको यहाँ से ऑप्शन बता दूँ तो यहाँ से दोस्तों कृष्णमूर्ति, सिद्धार्थ आपके मैच खेलने वाला, संदीप बरार, के बी पवन, उनके बाद दोस्तों यहाँ से एसपी मंजूना दोस्तों नहीं खेलने वाले इस मैच में, आप मत लेना, उनके बाद विनीत यादव भी दोस्तों नहीं खेलने वाले, ये कुछ आपके लिए चार पांच प्लेयर है दोस्तों, इसमें से आप किन्हीं को पिक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आप दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन मैंने तीन ऑलराउंडर के साथ जाना पसंद किया है दोस्तों, अमित वर्मा, राजू भटकर और यहाँ से एन पी भारत। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से सुरेश गोपाल को पिक कर सकते थे, बट मैं दोस्तों सुरेश गोपाल को नहीं पिक कहा और मैं एन पी भारत के साथ जा रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छे दोस्तों बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग भी करा लेते हैं, इसलिए मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। सो आप चाहे तो यहाँ से सुरेश गोपाल के साथ जा सकते हैं, आपके लिए सही ऑप्शन बता दूँ तो कृष्णप्पा गौतम दोस्तों नहीं खेलने वाले हैं उनके, क्योंकि ये दुलीप ट्रॉफी में दोस्तों खेलने चले गए, इसलिए हो सके इस मैच में नहीं खेले। उनके बाद सुरेश गोपाल भी आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, मनोज भांडे, यहाँ से चेतन विलियम दोस्तों नहीं खेलने वाला, आप इन्हें पिक मत करना, यहाँ से देवराज नहीं खेलने वाले दोस्तों, ये भी नहीं खेलने, आप इन्हीं तीन चार प्लेयर में से दोस्तों किन्हीं को पिक कर लेना आपके लिए सेफ रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग सेशन में, तो दोस्तों बॉलिंग सेशन में मैं तीन बॉलर के साथ जा रहा हूँ जो कि दो बेंगलुरु ब्लास्टर एक मैसूरू वारियर के रहेंगे। मुझे यहाँ जगदीश सुचित को मिस करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन टीम के साथ जाना चाहता था, इसलिए मैं जगदीश सुचित को नहीं ले पाया। आप चाहे तो यहाँ से दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से एन पी भरत खटा के मनोज भांडे को पिक कर सकते हैं, फिर सुरेश गोपाल को, उसके बाद आप यहाँ से दोस्तों इनको हटा के इनको पिक कर लेना, आप इस तरह से आप कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट मैं इन्हीं के साथ जाना पसंद करूँगा दोस्तों, जो कि एन पी भरत काफ़ी अच्छे दोस्तों बैट्समैन है, और आप जरूर से जरूर एन पी भरत को दोस्तों पिक करने का कोशिश करिएगा। उनके बाद मैं यहाँ से बॉलर में दोस्तों व्यासक, विजय कुमार, आनंद डोडमानी और यहाँ से दोस्तों अभिषेक भट्ट, मैं इन तीन बॉलर के साथ जा रहा हूँ। आपको सेफ ऑप्शन बता दो दोस्तों, तो इसमें सेफ आपके लिए कुछ जगदीश सुचित, प्रतीक जैन दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक आज का मैच नहीं खेलने वाले हैं, उनके बाद वी कौशिक आपके लिए सेफ रहने वाले दोस्तों, आकुशाल डोडवानी आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, उनके बाद मीरा कांत यादव आपके लिए कुछ सेफ रहते हैं दोस्तों, आप इनमें से किन्हीं को दोस्तों ट्राई कर लेना, आपके लिए सेफ रहने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ से मैंने अमित वर्मा को कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन रॉबिन उत्तप्पा को, क्योंकि दोस्तों और रॉबिन उत्तप्पा पिछले कुछ मैच अच्छा टच में दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा दोस्तों बैटिंग कर रहे हैं, और इस मैच में भी हो सके क्योंकि रॉबिन उत्तप्पा बड़े मैच के प्लेयर दोस्तों, इसलिए आज बड़ा मैच है, इनका सेमीफाइनल है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कैप्टन मैंने अमित वर्मा को बनाया क्योंकि दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग कर दिख जाएंगे और आपको तीन से चार ओवर का दिख जाएंगे, जिसमें से एक दो विकेट ले लेंगे और आप हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन में कुछ और ऑप्शन की दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ से आपके लिए इन दोनों के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला दोस्तों राजू भटकल का, एन पी भरत का, एम बी सिद्धनाथन को अभी भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों सोई मैनेजर और उनके बाद अर्जुन होयसला, इनको ये आपके लिए कुछ अच्छे प्लेयर दोस्तों आप इनमें से किन्हीं को ट्राई कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। अगर आप मल्टी टीम के साथ जाते हो दोस्तों उसमें से दोस्तों विजय व्यासक, विजय कुमार को जरूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छे दोस्तों बॉलर है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपसे अधिक से अधिक दोस्तों बेंगलुरु ब्लास्टर का दोस्तों प्लेयर पिक करने का ज़्यादा से कोशिश करेगा दोस्तों, क्योंकि बेंगलुरु ब्लास्टर टेबल टॉपर रही दोस्तों, काफ़ी अच्छा टीम है और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया सेमीफाइनल, मुझे लगता है कि बेंगलुरु ब्लास्टर जीत सकते हैं दोस्तों। आप अपना जरूर प्रेडिक्शन बताइएगा दोस्तों कि किस मैच में, इस मैच में कौन जीतने वाला है, जो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये टीम अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।